जाइए इसको मूव करके ना आपको फोटो लेने के लिए ना थोड़ा सा नहीं बैठूंगी ना। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, बैठूंगी तो उठ नहीं पाऊंगी, कोई बात बैठने के इश्यूज। नमस्कार, आज 9 अगस्त और हरेला माह का हमारा एक माह का जो हमारा कार्यक्रम है धात का हरेला का, उसका आज 24वां दिन है और इस क्रम में आज हम लोग हैं स्मृति वन में और स्मृति वन में हमारे आज कुछ पौधारोपण हुए हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं सुजाता भारती जी, आपने अपने माताजी पिताजी के लिए यहाँ पर पौधा लगाया है, माताजी के लिए आपने एक हर सिंगार का पौधा लगाया है और पिताजी के स्मृति में आप एक पिताजी श्री भरत प्रसाद जी की स्मृति में आप यहाँ पर नीम का पौधा लगा रही हैं। जैसे कि आपने बताया आपके पिताजी को नीम बहुत पसंद था, तो थोड़े से कुछ अपने पिताजी की यादें साझा करें, फिर हम इस बारे में और बातें करेंगे। जी, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने जिंदगी भर नीम के ये नीम की दातून की है और इस और नीम के पत्ते जो ये मौसम चेंज होता है तो तब खाया है। उन्होंने कहा है कि मलेरिया तब नहीं होता है अगर आप नीम के पत्ते खाएं फरवरी मार्च में और अक्टूबर नवंबर में। तो उस वजह से मैं उनकी याद में आज ये पौधा लगा रही हूँ कि दूसरों को ये संदेश दूं, नीम का पौधा बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सुजाता जी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, नीम का पौधा बहुत ही गुणकारी होता है ये हम सब जानते हैं और यहाँ पर ये बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है। तो जैसे कि नीम एक गुणकारी पौधा है और देखने में या खाने में कड़वा है लेकिन इसके गुण असीमित हैं। तो और आपके पिताजी के बारे में भी जैसे आपने बताया फ्रीडम फाइटर थे, तो ऐसे ही उनके गुणों की तरह ये नीम का पौधा जो है दिन रात वृद्धि करे और अपने महक से शुद्धता फैलाए हमारे स्मृति वन में। स्मृति वन में आज के आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आपका आभार और आप सब भी अगर स्मृति वन में या इस धरती को हरा भरा बनाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, आपके पास जगह नहीं है तब भी अब हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर फेसबुक पेज पर रहते हैं, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है DHAD धाद उत्तराखंड के नाम से और यूट्यूब पर भी हमें आप देख सकते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, इस धरती को हरा भरा बनाने में अपना सहयोग दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।